नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एलिस ब्लू के न्यू वेब वर्जन के साथ लिंक करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एलिस ब्लू की वेबसाइट, जिसमें कि अभी अभी इन्होंने नया वर्जन लॉन्च किया है एंड मोबी वर्जन 2.0। ठीक है, तो पहले क्या था कि इनका मोबी वर्जन 1 था, जिसमें कि एपीआई का स्ट्रक्चर कुछ और था, और अभी नए वाले वर्जन में एपीआई का स्ट्रक्चर कुछ और है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पर आपको क्लिक करना होगा राइट साइड के नेविगेशन बार पर। यहां पर आपको एक लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का बटन आएगा, उस पर क्लिक करने से आपको देखेगा यहाँ पर एक नया वर्जन है a3.aliceblueonline.com। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको एलिस ब्लू की पुरानी एप्लीकेशन या फिर पुराना वेब को अनइंस्टॉल कर देना है, यानी कि पुरानी जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की थी उसको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गूगल एप्लीकेशन का लिंक भी दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप एलिस ब्लू लिखेंगे तो वहां पर उनके प्लेटफॉर्म की सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। यहाँ पर आपको जो दिखेगा एंड मोबी 2.0 ये वाला आपको इंस्टॉल करना है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, यही वाला आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि अभी तक इन्होंने पुराने वाले वर्जन को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप नए वाले वर्जन में लॉग इन करते हो और पुराने वाले वर्जन से टोकन लेते हो तो टोकन एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि वही अगर आप एंड मोबी 2.0 से लॉग इन करते हो और उसके बाद आप जाकर एंड मोबी 2.1 में लॉग इन कर लोगे तो भी आपका टोकन हट जाएगा और आपका ट्रेड इंटरप्ट होगा, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नहीं होगा। तो अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल में नया वर्जन होना चाहिए, और अगर आप वेब लॉग इन कर रहे हैं तो भी आपको यही वाले वर्जन पे वेब लॉग इन करना है a3.aliceblueonline.com वाले पे। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, पहले वाले वर्जन में आपको API लेना पड़ता था और कॉल बैक URL सेट करना पड़ता था, इसमें आपको API लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा हमारे प्लेटफॉर्म पर जाना है जो कि है algocrab.com। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे भी ला के आपको दिखाता हूँ। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, ये हमारा प्लेटफॉर्म algocrab का है, इसमें आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको 6 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, जब आप साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो डिटेल डालकर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गो क्रैब का जो प्लेटफॉर्म है वो एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें काफी सारे ब्रोकर्स हैं और काफी सारी प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजीज भी हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, आपको एनालिसिस करने नहीं आता, आपको नहीं पता कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना है और किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, तो एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है और आप तसल्ली से उसको चेक करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सिंबल ट्रेडिंग करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एल्गो क्रैब पर आने के बाद अपना एलिस ब्लू का अकाउंट लिंक कैसे करना है। लिंक करना बहुत ही आसान है, लेफ्ट साइड पर आपको ऑथेंटिकेशन का एक टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वहां पर अलग अलग ब्रोकर्स आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको एलिस ब्लू को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आईडी लिखा है, यहाँ आपको अपना क्लाइंट आईडी डालना है और अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे आपको इस वेबसाइट पर ये लेकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे एम पिन मांग रहा है, अगर आपके पास एम पिन नहीं है तो आप एम पिन जनरेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फॉरगेट एम पिन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको नया एम पिन मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना एम पिन डाल रहा हूँ। ठीक है, एम पिन डालने के बाद ये रीडायरेक्ट होकर हमारी वेबसाइट पर आ गया है।
अब आपको क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन में जाकर वैलिडेट टोकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको एक्सेस टोकन वैलिड दिख रहा है, इसका मतलब कि टोकन सक्सेसफुली मिल गया। जी हाँ दोस्तों, यही प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल, और ये आपको डेली करना होगा। ठीक है, चाहे तो आप एल्बोक्रैप की मोबाइल ऐप से कर सकते हो, चाहे आप अपने मोबाइल में elbowcrab.com खोल के ऑथेंटिकेट कर सकते हो। वह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच करना होगा। अगर आप इस वक्त में टोकन लेंगे तो आपको टोकन जो मिलेगा वो फ्रेश टोकन होगा। अगर मान लीजिए आपने 6 बजे टोकन लेने का ट्राई किया सुबह, या 7 बजे टोकन लेने का ट्राई किया, तो क्या होता है कि हर एक ब्रोकर का अलग अलग प्रोसेस है कि 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद टोकन को रीजनरेट करने के लिए सर्वर को जो रीस्टार्ट करने का उनका टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच अगर आप करेंगे तो वो बेस्ट टाइम है टोकन लेने का। ठीक है, टोकन का प्रोसेस था सबसे पहला। अब दूसरा प्रोसेस है ये सिलेक्ट करना कि कौन से सिंबल में ट्रेडिंग करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। उसके लिए आपको जाना होगा स्ट्रेटजीज के टैब में। ये देखिए स्ट्रेटजीज का टैब यहाँ पे दिख रहा है। इस टैब में जाने के बाद आपको जाना होगा हीट मैप के टैब में। अब हीट मैप के टैब में जाने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक स्ट्रेटजी जिसमें भी आपको परफॉर्मेंस देखना है। उदाहरण के लिए सुपर ट्रेंड बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मूविंग एवरेज बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, MACD बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इंडिकेटर जो कि बेसिक इंडिकेटर है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस है। मैं अभी सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी पे क्लिक करा, अब ये डेटा कलेक्ट कर रहा है और अब ये हमें बता रहा है कि 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच कौन कौन से सिंबल्स में बेहतर परफॉर्मेंस आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आइडिया में ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एशियन पेंट्स में ये 77.78% एक्यूरेसी दिखा रहा है, 154 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 30,936 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। वैसे ही अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी सिंबल में आप लगाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या सिग्नल्स थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो आप इस सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एशियन पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 तारीख को यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा 17 पॉइंट का, उसके बाद 10 तारीख को भी आपको एक 8 पॉइंट का लॉस हुआ, उसके बाद आते हैं ये 10 तारीख को ही 8 पॉइंट का वापस से प्रॉफिट दिया इसने, यानी कि लॉस प्रॉफिट कवर हो गया। उसके बाद फिर एक 10 तारीख को सिग्नल आया जिसमें कि आपको 42 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही उसके बाद अगला सिग्नल 11 तारीख को आया जिसमें 42 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से सारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के बाद 154 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सिंबल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप चाहें तो किसी और स्ट्रेटजी में भी जाकर देख सकते हैं। मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे बता रहा है कि मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल्स की परफॉर्मेंस बढ़िया रही। वहीं आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि ACC का सिंबल जो है उसमें सबसे ज़्यादा 84% एक्यूरेसी आया है। अगर आप ACC पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि कब कब स्टॉप लॉस लगा। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक दिन स्टॉप लॉस लगा है और एक दिन आपका पोजिशन क्लोज हुआ है, मार्केट बंद हो गई थी तो उस पोजिशन क्लोज हो गया 2.30 रुपये पर, बाकी के दिन प्रॉफिट ही हुआ है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी और कौन से सिंबल्स में ट्रेड करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या हैं वो बात करते हैं कि हमें सिर्फ निफ्टी में करना है, हमें सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है। तो दोस्तों, जिस स्ट्रेटजी में निफ्टी या बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो उसमें आप लगाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अच्छी नहीं आ रही, अगर मान लीजिए किसी जैसे इसी स्ट्रेटजी में अगर मैं निफ्टी चेक करना चाहूँ तो ये कह रहा है मुझे निफ्टी, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ये देखो ये निफ्टी कह रहा है कि 25% की एक्यूरेसी आ रही है और लॉस हो रहा है। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी में निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो आप पहले अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कौन से स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है इसको लगाइएगा। ठीक है, ये था पहला प्रोसेस जिसमें कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी और कौन से सिंबल आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको
अच्छा लगा कि एक ACC का सिंबल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में अच्छा काम कर रहा था और आपको ACC के सिंबल में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना है, तो उसमें दो तरीके से आप सिंबल्स को लगा सकते हैं। पहला है नॉर्मल कस्टमाइज स्ट्रेटजी में लगाना और दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्पेशल टैब हमारा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि नॉर्मल कस्टमाइज स्ट्रेटजी में आपको किस तरीके से सिंबल लगाना है। उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज में और कस्टमाइज स्ट्रेटजीज के टैब में जाना है। वहां आपको स्टार्ट सिंबल का बटन प्रेस करना है। यहां से आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे सर्च की और मुझे लगा कि ACC का सिंबल अच्छा है। अगर मैं इक्विटी करना चाहता हूँ तो मैं ACC EQ का सिंबल सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मैं ACC अगस्त फ्यूचर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो भी क्वांटिटी ACC की होती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जो भी क्वांटिटी, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 500 क्वांटिटी का लॉट है, तो आपको 500, 250 का है तो 250, 700 का है, या फिर उसके मल्टीपल में आपको डाल देना है। मान लीजिए दो लॉट करना है तो उसका गुना दो करके जितना भी आएगा वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद रेगुलर ऑर्डर करना है, नॉर्मल करना है या MIS करना है। इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो MIS सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑन या ऑफ रख सकते हैं और टारगेट्स को भी ऑन या ऑफ रख सकते हैं, जिसमें टारगेट के 1, 2, और 3 का ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आप चाहें वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपको एक सिंबल यहां पर दिखाई दे जाएगा, एक कार्ड आपको बन के दिखाई दे जाएगा। कार्ड पे आपको स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने स्टार्ट का बटन प्रेस किया उसके बाद आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि अब आप जब भी कोई सिग्नल इसमें आएगा तब आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। आप अपना जो भी काम है दिनचर्या वो आराम से कर सकते हैं। आप शाम को आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी ट्रेड हुआ उसकी जानकारी आपको ट्रेड हिस्ट्री के सेक्शन में मिल जाएगी। ये यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री का सेक्शन है जिसमें आप जाकर ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसने अलग अलग ट्रेड्स आज यहाँ पर किए हैं, जैसे आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे ट्रेड्स हुए, ओपन हुआ ट्रेड, ओपन SL यानी कि स्टॉप लॉस लगा, रिजेक्ट हुआ, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से आपको हिस्ट्री, ट्रेड की हिस्ट्री पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आसानी से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहें कि आपके कौन कौन से ऑर्डर लगे तो वो भी आप ब्रोकर पैनल में जाके देख सकते हैं। जब आप ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर बुक में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स आज आपके लगे हैं, जिसमें कि आपको दिखा रहा है SBI में आपका ट्रेड लगा है बाय का 1500 और फिर उसके बाद 11:17 पे इसको एग्जिट हो गया, ये सेल हो गया, ख़त्म हो गया ट्रेड। ठीक है, इस ये सारा का सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसके अलावा आप और भी चीज़ें ट्रेड बुक, फंड, ऑर्डर बुक, जो भी आप होल्डिंग पोजीशंस वगैरह, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, आप यहाँ पर ईजिली देख पाएंगे, आपको ब्रोकर पैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये था प्रोसेस कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है नॉर्मल स्ट्रेटजीज में। उसके अलावा मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज का भी बताता हूँ, बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको क्रिएट सिंबल पे क्लिक करना होगा। अब जैसे कि आपने ACC का सिंबल लगाया था तो यहाँ पर भी मैं आपको ACC के सिंबल के हिसाब से बता सकता हूँ। अगर आप ACC का सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट करते हो और अगर आप चाहते हो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आपका ट्रेड हो तो आपको डे में कुछ नहीं डालना है। अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अभी 18 का एक्सपायरी है तो 18 डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो आप इसको 0 रख सकते हैं, मतलब डे वो ऐसे ही रख सकते हैं। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ACC की क्वान्टिटी इसने ऑटोमेटिकली ले ली 250, इसके मल्टीपल में आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको MIS नॉर्मल का, जैसे मैंने पहले बताया, सारे ऑप्शंस मिलते हैं और स्टॉप लॉस ऑन, टारगेट ऑन करने का, ATM, ITM, OTM ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अभी मैं ATM सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हमें सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अभी मैंने सेव चेंजेस कर दिया, इसके बाद मुझे इसको भी स्टार्ट कर देना है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा उसके बाद ये भी ऑटोमेटिक ट्रेड करना शुरू कर देगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए पहला सिग्नल जो आपका आया वो सेल का आया, ठीक है, तो अगर सेल का सिग्नल आया तो ये क्या करेगा, ATM की यानी कि एट द मनी की पुट को अपने आप खरीद लेगा और उसके बाद जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा तो ये पुट को स्क्वायर ऑफ कर देगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको बाय कर लेगा। ये काम अपने आप करता रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ही इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों उन लोगों के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन के थ्रू, जिनको ऑप्शन में सेलिंग नहीं करना, मार्जिन कम यूज करना है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज में इस तरीके से आपका ट्रेड जो है वो परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर और भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि अगर आप परफॉर्मेंस के सेक्शन में जाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं एक तारीख से लेकर अब तक क्या रही। सिग्नल्स के टैब में अगर आप जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कौन से रनिंग सिग्नल्स अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुपर ट्रेंड पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिम्बल्स में अभी सिग्नल्स रनिंग है, चल रहे हैं, जिनमें ना ही अभी स्टॉप लॉस हुआ है ना ही टारगेट हुआ है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा है वो सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिग्नल्स का टैब भी देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनके अलग अलग प्राइसिंग है। ठीक है, मंथली क्वार्टरली आप पैकेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको डिस्काउंटेड अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उस हिसाब से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद वो आपको यहाँ पर माय अकाउंट में दिखेगा। माय अकाउंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिखेगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव है, कब तक के लिए एक्टिव है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था कि किस तरीके से आपको नए वाले वर्जन को यहाँ पर लिंक करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप MT4 से ट्रेडिंग करते हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं, तो किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म ब्रिज का काम करता है और किस तरीके से आप स्ट्रेटजीज पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी खुद की। और अगर आप चाहते हैं खुद की स्ट्रेटजी बनवाना और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना तो भी किस तरीके से आप वो सब कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगे वीडियो, और अगर किसी अदर विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।